महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देती गुजराती फिल्म या देवी सर्वभूतेशु के कलाकारों और निर्माता ने भावनगर में फिल्म का प्रमोशन किया। हेलो फ्रेंड्स, वीएनएम न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मिल रहे हैं या देवी सर्वभूतेशु फिल्म के स्टार कास्ट से, तो आइए हम उनसे बात करने की शुरुआत करते हैं, फिल्म के डायरेक्टर से जिनका नाम है अमित रुघानी। सर, आपको ये ऐसे सब्जेक्ट पर फिल्म बनाने का आइडिया कैसे आया? एक्चुअली जब हम ये फिल्म प्लान कर रहे थे, हमारे पास काफ़ी स्क्रिप्ट्स रेडी थी, लेकिन हमने सोचा कि हमारा जो प्रोड्यूसर है आरव पटेल, उन्होंने बोला कि हमने को वुमन एम्पावरमेंट पे ही फिल्म बनानी है, तो उसी की वजह से हमने एक नई स्क्रिप्ट लिखी जो कि वुमन एम्पावरमेंट पे हो। सर, अभी जो जो चल रहा है, जैसे कि सब जगह पे गुजराती, हिंदी, साउथ में हर जगह पे वुमन एम्पावरमेंट सब्जेक्ट पे बहुत ही ज़्यादा फिल्में बन रही है अभी, तो उसकी कोई खास वजह होगी? वजह तो देखो, अभी क्या है कि गुजराती फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे अलग अलग जॉनर की फिल्म आने लगी है, तो अभी ऑडियंस नए नए सब्जेक्ट को एक्सेप्ट कर रही है, तो थोड़ा स्टीरियोटाइप से हट के कुछ नए सब्जेक्ट्स अगर मार्केट में लाए तो लोगों को आदत हो जाएगी, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम से लोग ओटीटी में बहुत घुस गए, तो उनको नए नए सब्जेक्ट्स अच्छे लग रहे हैं, तो अगर हम गुजराती, हिंदी, इंग्लिश में भी फिल्म देखते हैं अलग सब्जेक्ट, वाई नॉट इन गुजराती। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं जैसे सब जगह पे एक ही सब्जेक्ट पे मूवी बननी शुरू हो जाएगी तो लोगों को बोरिंग लगेगा ऐसा कुछ? सी, बोरिंग लगना नहीं लगना वो अगेन हर एक स्टोरी स्क्रिप्ट पे ही डिपेंड करता है, तो ऐसी चीज़ नहीं है कि लोग बोरिंग हो जाएंगे। हाँ, फिल्म का कंटेंट अगर ठीक नहीं होगा तो लोग डेफिनेटली बोरिंग हो जाएंगे, लेकिन अगर सेम सब्जेक्ट की दो फिल्में बन रही हो जिसका स्क्रीन प्ले और स्टोरी अच्छी है तो बोर नहीं होगा। सर, आपने अब तक कितनी मूवीज डायरेक्शन की हुई है? मैंने अब तक 7 फिल्में की, मेरी 7वीं फिल्म है, तो जो फिल्म मैंने लिखी है वही मैंने डायरेक्ट की है, तो ये 7वीं फिल्म है मेरी। तो सब और इतनी सारी मूवी डायरेक्शन करने में और इस मूवी में आपको कोई कुछ डिफरेंट लगा? डिफरेंस तो ये है कि देखो, फिल्म की स्टार कास्ट में बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग हैं, जैसे निसर्ग त्रिवेदी है, शिल्पा ठाकर है, परमेश्वर शिशिरकर है। सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जो फिल्म की लीड एक्ट्रेस है कविशा शंघवी, उनकी पहली फिल्म थी, तो उनको ट्रेन करने में बहुत टाइम गया, और उसमें शिल्पा बेन और निसर्ग भाई त्रिवेदी ने बहुत हेल्प करी है, तो वो एक चैलेंज था, बाकी ओवरऑल स्मूथ रहा। तो आपने अपने कैरेक्टर के हिसाब से कविशा जी को ही क्यों चुना? एक्चुअली क्या था कि हम ये स्टोरी लिख ली ना, उसके बाद हम एक एक्ट्रेस की तलाश कर रहे थे, तो उस टाइम पे हमने एक इंस्टाग्राम वीडियो लाइव देखा था ये कविशा का, तो हमको लगा कि ये लड़की कर सकती है, फिर उनको हम मिले और उनको स्टोरी नरेट की, तो उनका कॉन्फिडेंस देख के हमको और कॉन्फिडेंस आ गया कि ये कर लेगी। आइए हम अब बात करते हैं सीनियर एक्टर निसर्ग त्रिवेदी जी से। हेलो सर, सर मूवी में आपका कैरेक्टर का नाम क्या है? जो मेन लीड है उसके मामा का रोल कर रहा हूँ, जिसने ये बच्ची को बचपन से बड़ा किया है और पाल पोस के पढ़ाया लिखाया है, और वो मामा जो है वो उसकी जिंदगी में क्या करते हैं, बस यही बात है। तो ये वुमन ओरिएंटेड मूवी है, तो इसमें मैसेज किस टाइप का है? ऑब्वियसली फीमेल सेंट्रिक फिल्म है, तो फाइनल मैसेज वही जाएगा कि एक स्त्री है उसमें कितनी शक्ति है, कितना पावर है, और चाहे वो सही मायने में हो या गलत मायने में हो या कोई भी जगह पे हो, उसके ऊपर जब आपत्ति आती है तो वो एकदम दुर्गा बन जाती है। तो वैसे एक माँ है और माँ के स्वरूप में ये जो लड़की है वो करुणा का अवतार भी है, और वही लड़की वो राक्षसों का विनाश करने वाली दुर्गा भी है। तो ये फिल्म में मैसेज यही है कि एक बच्ची, एक औरत, एक लड़की, वो अगर ठान ले तो पूरे सराउंडिंग को चेंज कर सकती है। आपको यहाँ भावनगर आके कैसा लगा और यहाँ की ऑडियंस आपको कैसी लगी? भावनगर इज अ फैंटास्टिक प्लेस फ्रॉम द डे वन, मतलब यहाँ पे तो बार बार आना हुआ है, और भावनगर की ऑडियंस भी बहुत समझदार ऑडियंस है, काफ़ी समझदार है, और वो अच्छे को अप्रिशिएट करना जानती है और बुरे को मुंह पे बोलना भी जानती है, तो एकदम जागृत ऑडियंस है, और इसीलिए भावनगर जब आते हैं हम लोग, चाहे वो नाटक लेके आए या फिल्म लेके आए
लेकिन तब मन में थोड़ी सी वो क्या बोलते हैं, पेट में जो बटरफ्लाई उड़ते हैं कि यार ये लोग कैसे इसको लेंगे, और लकीली ये ऑडियंस एकदम 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 अलर्ट है, तो छोटी से छोटी बात पकड़ती है, तो ऐसी ऑडियंस बहुत कम मिलती है। ओके, थैंक यू सो मच सर। आइए हम अब बात करते हैं फिल्म की लीड एक्ट्रेस कविशा जी से। हेलो। हेलो जी, डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं 4 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, बट मुझे पहली बार किसी मूवी में लीड रोल मिला है, तो ऑब्वियसली मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये मूवी मेरे लिए चैलेंजिंग इसलिए रही क्योंकि एक ही मूवी में आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स और उसमें एक्सप्रेशन सब कुछ आपको देखना है, और इतने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम करना है, उनसे आंखें से आंखें मिलाकर आपको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि नहीं आप अभी अभी इंडस्ट्री में आए हैं, वो बहुत साल से काम कर रहे हैं। बट मुझे ओवरऑल बहुत अच्छा लगा इस मूवी में काम करके। इंस्टाग्राम रील से सीधे बड़े पर्दे पर मतलब आपने कितनी प्रिपरेशन की इसके लिए? डेफिनेटली प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा की। जैसे अमित सर ने बोला कि मुझे ट्रेन करने में शिल्पा मैम, निशु बाबा, दोनों को बहुत बहुत बड़ा हाथ है। बट जैसे कि 2 दिन थे जो हमें ऑन फ्लोर जाना था, बट मैं रेडी नहीं थी, मेरे अंदर जो चांद चाहिए था वो नहीं निकल रहा था। बट 2 दिन मुझे वर्कशॉप दी गई, शिल्पा मैम ने मुझे वर्कशॉप दी, उसमें मुझे 9 कैरेक्टर्स करवाए जो मुझे एक ही दिन में प्ले करने थे, और फिर वो मूवी में मैंने किस तरह से निभाए हैं वो आपको थिएटर में जाके देखना पड़ेगा, और मुझे बताना भी पड़ेगा कि आपको कैसा लगा। जी, फर्स्ट टाइम, पहली बार में इतने सारे कैरेक्टर एक ही मूवी में, तो आपने अपने आप को कैसे प्रिपेयर किया इसके लिए? एक्टिंग की इंडस्ट्री में उसको नो रस बोलते हैं। आपको नो रस में अग्रेसिव होना है, कभी क्विकली आपको खुश हो जाना है, फिर से रोने लगना है, वो आप क्विक कैसे चेंज करते हो, वो क्विक मुझे यही एक्टर्स से मिला। और ये मूवी करके मुझे एक फैमिली मिली जो मुझे आगे से आगे बढ़ा रही है, मेरे कहीं भी गलत कदम पे मुझे रोक रही है, मुझे बोल रही है कि तू ये काम कर तो सही होगा, और मुझे अभी तक आगे जो बढ़ाया है, मुझे प्रिपेयर किया है, उसके लिए थैंक यू सो मच मेरी स्टार कास्ट को। इंडस्ट्रीज में बहुत सारे एक्ट्रेस है और इन सब इन लोगों ने आपको चुना, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? जी डेफिनेटली, ये जो मूवी यादेवी सर्वभूतेशु बनी है वो ग्लोबल विंडो एंटरटेनमेंट के अंडर में बनी है। उन लोगों का एक पॉइंट है कि वो लोग न्यू टैलेंट को चांस देते हैं, उसमें से लकी पर्सन मैं रही हूँ, तो उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ आरव सर और प्रिंस सर की, कि जिन्होंने मुझे चूज किया और मेरे पे बिलीव किया कि मुझे मैं ये रोल कर सकती हूँ, और मैंने डेफिनेटली करके दिखाया है। आइए अभी हम बात करते हैं शिल्पा ठाकर जी से। कैरेक्टर तो हेल्पफुल स्टोरी को आगे ले जाने में है, लेकिन वैसे मैं हीरोइन को बिल्कुल हेल्प नहीं करती। मेरा नाम रंगा राजवी है फिल्म में, वैसे मेरा नाम ओरिजिनल शिल्पा ठाकर है, और मेरा ऐसा मानना है कि इस फिल्म में सबसे ज़्यादा मैं हीरोइन को परेशान करती हूँ, और उस परेशानी में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और मैंने लाइफ में काफ़ी सारे कॉमेडी कैरेक्टर किए हैं, मैं स्टेज, टेलीविज़न और फिल्म में 32 साल से काम कर रही हूँ, और गुजराती फिल्म और सीरियल और नाटक के सभी कलाकारों को मैं एज अ मेंटर तैयार करती हूँ। तो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि आज तक मैं दूसरे लोगों को तैयार करती थी, इस कैरेक्टर को करने के लिए मेरे को अपने आप को तैयार करना था, वो मेरे लिए बहुत बड़ी चैलेंज थी, और मैंने वो अच्छे से निभाया। और मेरे डायरेक्टर और निर्माता ने मुझे बोला कि आपने अपनी बॉडी के हिसाब से कॉमेडी कैरेक्टर किए हैं, आपके लिए चैलेंज है मैम। इसके पहले मैंने कमठाण में भी नेगेटिव कैरेक्टर किया था, उसके बाद ये दूसरा मेरा कैरेक्टर था, तो मैंने उनको बोला कि मैं ये रोल अच्छे से निभाऊंगी, आप मुझे सिर्फ गाइड कीजिए। और मेरे डायरेक्टर है अमित भाई, उन्होंने मेरे को गाइड किया कि मैडम इस प्रकार का शेड है, आपको जाहिर जीवन में एज अ एक सोशल वर्कर की ओर से आपको रोल करना है, लेकिन आप अंदर से शैतान हो पूरे, और हीरोइन को परेशान करने में आप कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं, तो मैंने वो बकायदा निभाया है। और जब मैं बाहर निकलती हूँ तब हीरोइन की तारीफ होती है,
उसके साथ मेरे को भी ऐसा बोला जाता है कि क्या रोल करते हो। मेरा एक बहुत अच्छा डायलॉग है कि मानस ने तो इतने मारा छे जाने मच्छर मारती हुए, तो ये मैं इतना अच्छी से बोलती हूँ और लोग तालियां बजाते हैं। तो मुझे काफी खुशी है कि मेरे कैरेक्टर के बारे में और हीरोइन के साथ मुझे काम करके बहुत मजा आया। ताकि वो नई है लेकिन बिल्कुल हमको ऐसा लगा नहीं, क्योंकि उसने काफी मेहनत की है। और दूसरी स्टार कास्ट है वो भी सब मेरी जानी पहचानी है, सब सीजन आर्टिस्ट है, सब जाने पहचाने लोग हैं। निसर्ग भाई है, वो पूरे हमारे इंडस्ट्री की चलती फिरती यूनिवर्सिटी है, तो ऐसे उनके ब्लेसिंग्स हमको मिले हैं। और दूसरे लोग हैं, परमेश्वर शेषकर है कि मुकेश राव करके है कि चिल्का प्रीत है कि किन्नल है, वो सभी सीजन आर्टिस्ट है। उसके साथ एक न्यू कमर टैलेंट को एस्टेब्लिश किया है, तो इसके लिए मैं आरव को और प्रिंस को मैं धन्यवाद देती हूँ कि नए उभरते कलाकार को भी चांस दीजिए। उनको भी इच्छा है पर लगाने की, उनको भी इच्छा है अपने सपने पूरे करने की, लेकिन उसको कोई पड़ाव चाहिए। और ये छांव जो जिसने दी है वो दोनों प्रोड्यूसर एंड अमित भाई जो डायरेक्टर है हमारे, उन्होंने विश्वास रखा है, उसके लिए मैं उनके भी आभारी हूँ। और मैं यही मानती हूँ कि नई टैलेंट है वो उभर के आए, लेकिन वो आने से पहले कुछ प्रशिक्षण ले, जानकारी ले कि इंडस्ट्री में कैसे आया जाता है, भाषा पे काम करे, चाहे वो गुजराती हो, मराठी हो, जिस लैंग्वेज में वो काम करे उस लैंग्वेज का नॉलेज उसे होना चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि नए नए सब्जेक्ट पर गुजराती में भी फिल्म बननी चाहिए, क्योंकि अभी गुजराती लोग हैं वो काफी जागृत हो चुके हैं, अभी वो बहुत अच्छे से साउथ फिल्म देखते हैं, अभी वो मराठी फिल्म देखते हैं, अभी वो बंगाली देखते हैं और इंग्लिश मूवी भी देखते हैं। तो क्यों ना ऐसा प्रयास किया जाए कि गुजराती में अलग अलग सब्जेक्ट पर आए फिल्म और वो चाव से देखे। मैम अभी तब आपने हमेशा कॉमेडी कैरेक्टर किए हैं, और इस बार जो लास्ट में दोनों मूवी में आपने नेगेटिव कैरेक्टर किए हैं, तो इसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपको उसमें कॉमेडी करने में इतना मजा आता था कि नेगेटिव कैरेक्टर में इतना मजा आ रहा है? मेरा ऐसा मानना है कि एक्टर है ना वो वर्सेटाइल होना चाहिए, उसमें विविधता होनी चाहिए, और वो विविधता इतनी अच्छी होनी चाहिए कि उसको जो कैरेक्टर मिले। आपने अगर देखा हो तो अमरीश पुरी साहब को देखा हो, या अनुपम खेर साहब को देखा हो, या परेश रावल जी को देखा हो, फिल्म में हीरो हीरोइन होते हैं लेकिन अगर कैरेक्टर रोल नहीं होंगे तो मजा नहीं आता है लोगों को, और वो याद रह जाता है कि हमको मिस्टर इंडिया में मोगेम्बो का कैरेक्टर याद रह गया। तो मोस्ट ऑफली ऐसा होता है कि जेंट्स को है वो अच्छे अच्छे नेगेटिव शेड्स मिलते हैं, लेकिन गुजराती फिल्म में एक लेडी को नेगेटिव शेड्स मिलना वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और ये अच्छा है कि मैं नींव रख रही हूँ। जी आइए अब हम बात करते हैं किन्नल नायक जी से, आप वो क्या कैरेक्टर कर रहे हैं इस मूवी में? ये फिल्म में मैं देविका की मम्मी का रोल कर रही हूँ। ओके, तो आपने भी बहुत सारे कैरेक्टर किए हैं, उसके हिसाब से ये कैरेक्टर कैसा है? हाँ आपकी बात सही है, मैंने बहुत सारे कैरेक्टर्स किए, पर इसमें एक बात ये है कि मैं कोमा में चली जाती हूँ, ठीक है, तो वो एक थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि आप कोमा में हो तो आपको कैसे मतलब श्वास ऐसे रोक के रखना पड़ता है, मेरे आई बॉल्स मुझे स्टेडी रखना पड़ता था जब भी मेरा शूट होता था, तो उस पर मैंने थोड़ा वर्क किया था कि मैं मेडिटेशन करती थी उस टाइम पे कि मेरे आई बॉल्स इधर उधर ना हो, मेरी श्वास ऐसे नहीं चलती हो। और खास बात तो ये कि ये मूवी में मेरा रोल जो है पूरा ऑलमोस्ट कोमा में हूँ, पर जब भी मैं उठती हूँ ना तभी मूवी में ट्विस्ट आता है। आपके हिसाब से ये मूवी लोगों को कितनी पसंद आएगी? जैसे वुमन ओरिएंटेड मूवी हर जगह लोग पसंद करते ही है, तो उस हिसाब से ये मूवी कितनी पसंद आएगी लोगों को? लोगों को बहुत पसंद आएगी ये मूवी, क्योंकि ये मूवी क्या है कि एक फैमिली मूवी है, सस्पेंस थ्रिलर है, बट साथ में वो आप फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो, रोमांटिक नहीं है, ऐसे मतलब कोई ऐसे डायलॉग्स नहीं है, कोई ऐसे सीन्स नहीं है, कोई ऐसा शब्द नहीं है कि आप फैमिली के साथ बैठ के न सुन सको, तो ये मूवी पब्लिक को बहुत पसंद आएगी। और आई थिंक गुजराती में ये पहली मूवी होगी कि जो हीरोइन ओरिएंटेड है, हीरोइन पूरी मूवी अपने शोल्डर पे लेके चलती है, हीरो है ही नहीं ये इस फिल्म में। जी थैंक यू मैम। आइए अब हम बात करते हैं फिल्म के प्रोड्यूसर से, आरव जी से। सर ये सब्जेक्ट पसंद करके इसके ऊपर वर्क करने की आपने जो कोशिश की है,
तो उसके पीछे कोई खास बात है? खास बात अगर देखने जाए तो हर फैमिली में है ये बात। इंडिया की कोई भी फैमिली आप पकड़ लो, नारी शक्ति से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो वो है तो सब है, बाकी कुछ नहीं है, इसलिए हमने ये सब्जेक्ट पकड़ा था। ये आपने जो कहानी पसंद की और उसके हिसाब से आपने इन सबको जो बुलाया आपने अपने कैरेक्टर के हिसाब से, तो वो सब आपने पहले से डिसाइड कर रखा था या फिर बाद में आपने डिसाइड किया कि ये कैरेक्टर ये करेंगे ये वो करेंगे ये? हाँ, इसमें पहले से डिसाइड जैसा कुछ भी नहीं था, बट हमारा एक मोटिव था कि हम भी इंडस्ट्री में नए हैं, ये फर्स्ट मूवी है हमारी एज अ प्रोड्यूसर एज अ प्रोडक्शन हाउस। बट हमारा एक मोटिव सिंपल सा था कि मैक्सिमम हम ट्राई करेंगे कि न्यू टैलेंट को चांस दें, पर न्यू टैलेंट के अंदर बहुत सारी टैलेंट है, बस उनको चांस नहीं मिलता। जो सीनियर है उनको भी हम ले रहे हैं साथ में, ऐसा नहीं कि न्यू टैलेंट की वजह से सीनियर को साइड में करें हम। न्यू टैलेंट भी चाहिए और सीनियर भी चाहिए, हमें दोनों चाहिए, बट न्यू टैलेंट पे हमारा ज़्यादा फोकस है और जो सीनियर है आर्टिस्ट उनके आशीर्वाद चाहिए।